हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सुगु एक्सप्रेस। और आज मैं स्पेंड करने वाला हूँ 5 लाख गोल्ड। समझ रहे हो, 5 लाख गोल्ड। तो काफी लोगों को लगता है कि ये काफी कम गोल्ड है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बहुत ज्यादा गोल्ड है। तो मैं दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जिनको लगता है ये ज्यादा गोल्ड है और इतना सारा गोल्ड आया कहाँ से, तो मैं तुम्हें एक स्केल बताऊं। मेरा लास्ट ईयर मतलब कि पिछले साल मेरा अकाउंट का लेवल था 9, अभी है 10। तो तुम समझ रहे हो कितने ज्यादा टाइम से मैंने गोल्ड स्पेंड नहीं किया है। और काफी सारे लोगों को लगता है कि नेकी ने मुझे गोल्ड दिया है। भाई नहीं दिया यार, वो नहीं देते मुझे कुछ। तो इतने सारे गोल्ड का बस राज ये है कि मैंने स्पेंड नहीं किया तो मेरे पास गोल्ड आते रहा। चलो तुम ही बताओ लास्ट ईयर तुम्हारा कितना डोजो था और अभी कितना डोजो है। देखना मेरे से ज्यादा ही होगा, मैंने एक साल में सिर्फ एक लेवल अप किया है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको लगता है मेरे पास कम गोल्ड है। तो भाई मेरे पास एक भी कैरेक्टर के मैक्स कार्ड्स अभी तक हुए नहीं है। मतलब कुछ टाइम में होने वाले हैं, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, मगर अभी मेरे पास किसी भी कैरेक्टर के मैक्स कार्ड हुए ही नहीं है। तो मुझे जो एक्चुअल गोल्ड मिलता है ना, वही गोल्ड मिलता है। उसके अलावा जो कार्ड्स को एक्सचेंज करके गोल्ड मिलता है ना, वो मुझे मिलता ही नहीं है। और अगर तुम मेरी वीडियोस देखते होगे तो मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने पूरा फाइट पास क्लेम किया था, एक एक चेस्ट और सब कुछ मिला के सिर्फ 12,000 गोल्ड मिला था। मतलब एक पूरे कंप्लीट फाइट पास में से सिर्फ 12,000 गोल्ड। तुम चैनल पे जाके वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। और तुमने एक और चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे जो मैक्स वाले प्लेयर्स होते हैं ना, बहुत सारे के ऑलमोस्ट सभी के पास बहुत ज़्यादा गोल्ड होता है। मतलब मिलियंस में गोल्ड होता है। तो उतना सारा गोल्ड उनको इसीलिए मिलता है क्योंकि उनके पास सारी चीज़ें होती है। तो सारी चीज़ें जब तुम्हारे पास होती है तो तुम्हारे वो आइटम्स गोल्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मगर भले उनके पास मिलियंस में गोल्ड होता है, मगर उस गोल्ड का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब वो उनके कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि तुम गेम में गोल्ड से कुछ भी परचेस नहीं कर सकते। बस कार्ड्स परचेस कर सकते, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते तुम लोग। तो मैंने अपने गोल्ड की तुम्हें बैक स्टोरी बता दी, अब हम अपग्रेड करना चालू करते हैं। ये थोड़ी पुरानी क्लिप है क्योंकि मैंने किंग ऑफ द लीजेंड को लास्ट सीजन ही अपग्रेड कर लिया था, साथ में ज़ियांगसू को भी अपग्रेड कर लिया था। ज़ियांगसू की तो क्लिप भी डिलीट हो गई, किंग ऑफ द लीजेंड की बची है। तो इसको मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ यार। ये सही रहता है ना, स्टार्टिंग में बढ़िया सस्ते सस्ते में अपग्रेड हो जाता है। आखिरी में तो 60,000 गोल्ड लगता है एक कैरेक्टर का लेवल अप करने के लिए। जैसे अगर तुम्हें किसी को 12 से 13 करना है ना, तो अकेला एक लेवल अप के लिए 60,000 गोल्ड लगता है। चलो किंग ऑफ द लीजेंड को तो लेवल 8 का कर लिया है, अब हम दूसरे कैरेक्टर्स को लेवल अप करते हैं। और अभी तक तुमने जितना भी देखा वो पिछले सीजन की क्लिप थी, अब ये है अभी की क्लिप। तो अभी सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूनलेन से, क्योंकि मैं यूनलेन से ज्यादा खेलता हूँ। 1v1 में मैं ज्यादा खेलता हूँ उससे। इसको 3v3 में तो अपनी टीम में रखता भी नहीं हूँ, मतलब बहुत कम ही रखता हूँ। अब ज़ियांगसू को भी लेवल अप कर लेते हैं। ये हो गया 8 का और मेरा 11 होने ही वाला है डोजो, बस थोड़ा सा बचा है। अब मैं किसी भी हीरो को लेवल अप करूँगा ना, तो मेरा सीधे डोजो 11 हो जाएगा। तो किसको करे, एक काम करते हैं, लिंक्स को करते हैं, क्योंकि लिंक्स चलाने में मजा आता है भाई। और इसी के साथ मेरा डोजो 11 भी हो गया। भाई दिखाओ ना यार, ये हो गया फाइनली, देखो हो गया मेरा डोजो 11। काफी टाइम लग गया यार, मैंने कितने टाइम से लेवल अप किया ही नहीं अपने अकाउंट का। और बेस्ट चीज ये है, 10-10% सारे एट्रीब्यूट बढ़ गए, तो अब थोड़ी मेरी रैंक भी बढ़ जाएगी। और आई नो कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये किस टाइप से लेवल अप कर रहा है यार, मैं सारे कैरेक्टर को लेवल अप कर रहा हूँ। क्योंकि शैडो फाइट अरीना में ज्यादातर प्लेयर्स सिर्फ अपने 2-4 हीरोज को ही अपग्रेड करते हैं, बाकी हीरोज का लेवल उनका बहुत ज्यादा डाउन होता है। तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा, वो मैं तुम्हें वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूंगा। और मैंने कर लिया अपने ईतू को लेवल 11 का, मगर सिर्फ 10% डिफेंस बढ़ा यार। चलो ठीक ही है, यूनलिन को अपग्रेड करते यार। यूनलिन बढ़िया कैरेक्टर है, इसको 30,000 लग रहा है, चलो कर देते हैं। 5-5% सब बढ़ गया। अब फार्ज का भी लेवल अप करते हैं, मैं इसको अपने टीम में रखता हूँ। भले इसका फाइनल टैलेंट अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है, मगर फिर भी फार्ज चलाने में मजा आता है भाई, बहुत तगड़ा डैमेज देता है। चलो अब कीबू का लेवल अप करते हैं, सिर्फ 10,000 गोल्ड में काम हो रहा है। देखा कीबू को भाव देना कम किया तो उसका रेट ही कम हो गया। अब फार्ज का लेवल अप करते हैं, और फार्ज बन गया मेरा सेकंड कैरेक्टर जो कि लेवल 11 का हो चुका है ईतू के बाद। किंग ऑफ द लीजेंड को भी करी देते हैं, इससे मैं ज्यादा खेलता नहीं हूँ, मगर अभी खेलना चालू करूंगा कुछ दिनों में मैं इससे। और मेरा डोजो 11 भी ऑलमोस्ट 30% कंप्लीट हो चुका है। अब देखते ही देखते सिर्फ 3 लाख गोल्ड बचा है, वो भी मैं अपने यूनलेन के ऊपर स्पेंड करने वाला हूँ। और ये हो गई 11 की। अब यहाँ पे मेरे साथ एक स्कैम हो गया, मैंने गलती से ना इसको 12 का भी कर दिया यार, मैं सच्ची में करना नहीं चाह रहा था, गलती से हुआ है ये। और मेरा 50,000 गोल्ड वेस्ट हो गया। मतलब मैं 11 से ऊपर किसी भी कैरेक्टर को करने का प्लान नहीं था मेरा। और वो देखो एक क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गया अपग्रेड टू 12 वाला। यार मैं वो 50,000 गोल्ड में पता नहीं क्या क्या अपग्रेड कर सकता था, मगर अब तो गया। अब यहाँ एम्परर को कर लेते हैं। एम्परर भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। और यहाँ पे डोजो 11 भी आधा कंप्लीट हो गया है।
कि हम डोजो 12 भी पहुंच जाएंगे, आज ही पहुंच जाएंगे क्या? वो तो वक्त ही बताएगा। वैसे मैं नहीं चाहता कि हम आज ही डोजो 12 पहुंच जाए, क्योंकि वो एकदम से लेवल अप मैं नहीं करना चाहता, थोड़े धीरे धीरे। वैसे आज बहुत लेवल अप कर लिया है, मगर फिर भी एकदम से मैं डोजो अपना अप नहीं करना चाहता। और मैं जनरली वीडियो के बीच में लाइक करने का नहीं बोलता भाई, मगर इस वीडियो में तो कर ही दो यार, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, सालों की मेहनत है भाई एक वीडियो बनाने के लिए। बाकी मुझे मार्कस से खेलना है, मगर इसका मेरे पास टैलेंट नहीं है, इसलिए मैं इससे खेलता नहीं हूँ। सिर्फ 4 ही टैलेंट है, और पिछले सीजन मैंने ये 8 लेवल के मार्कस को ही 650 ट्रॉफी के ऊपर पहुंचा दिया था। मतलब मैं 6-7 गेम और जीत जाता तो मैं लीडर बोर्ड पे पहुंच जाता 8 लेवल का मार्कस लेके, जिसके पूरे टैलेंट भी नहीं है। सेम चीज यूनलिन के साथ भी हुआ था। मगर मैं अब किसी भी कैरेक्टर को लेवल अप नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत कर लिया यार। अब मैं और लेवल अप करूंगा ना, तो मैं डोजो 12 के बहुत करीब पहुंच जाऊंगा, जो कि मुझे अभी नहीं पहुंचना। और पहला ही गेम में डोजो 13 का बंदा आ गया है। ठीक है यार, मैच मेकिंग तो अब क्या ही बोलो, अब तो आदत सी है मुझको, अब तो और आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि और लेवल अप हो चुका है मेरा। मगर अब मेरे कैरेक्टर्स के लेवल एटलीस्ट इतने तो है कि मैं फाइट बैक कर पाऊंगा, तो देखते हैं पहले गेम में हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जब मेरी 8 लेवल की यूनलिन थी तो सिर्फ 3-4 अटैक में मर जाता था मैं। अब थोड़ा तो टिका रहने का ट्राई करेंगे हम लोग, और हो सकता है बहुत ही जल्द हमें पैच का भी अनाउंसमेंट आ जाए, जिसमें बहुत ज्यादा चांस तो मुझे यही लग रहा है जो कैरेक्टर्स का मैंने लेवल अप किया ना, उनको ही नेकी देखना डुबा डालेगी। तो फिर भी पैच में अगर गैस करने का ट्राई करें, मतलब कुछ भी एडजस्टमेंट हो, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो मुझे तो ये लग रहा है ज़ियांगफु, बुलवर्क, बूचर, यूका, कोबरा और लिंक्स, मुझे ये लग रहा है इनमें से किसी कैरेक्टर्स की बैंड बजने वाली है, या फिर कुछ तो हो सकता है इन लोगों के साथ। बाकी फिर तुम भी कमेंट्स में गेस करो, मैं अभी देखना चाहूंगा तुम किस कैरेक्टर को नर्फ कराना चाहते हो। और देखते ही देखते पहला राउंड ऑलमोस्ट जीत गया। और इस सीजन मेरे पास फाइट पास भी है, तो इस सीजन मुझे बहुत ज्यादा गोल्ड मिलेगा, तो शायद मैं इसी सीजन डोजो 12 पे पहुंच सकता हूं। मगर मैं ट्राई करूंगा कि इस मंथ तो नहीं पहुंचूं, अगले मंथ देखते हैं। बाकी फिलहाल हमारे एक भी अटैक उस पे लगी नहीं रहे, ये फाइनली लगे टेलीपोर्ट करके पीछे गया, तो ये अपर भी लगा। यूनलिन से ना कॉर्नर में ट्रैप होते हैं अपोनेंट, वो गारंटीड ट्रैप नहीं होता है, मगर अगर तुम अपोनेंट के दिमाग से खेल गए ना, तो अपोनेंट को तुम कॉर्नर में ट्रैप कर सकते हो, जो कि हमेशा नहीं होता। यहाँ मैंने टेलीपोर्ट करके गलती कर दी, मुझे ना इथेरियल यूज करना था, तो मैं उसे वहीं पे थोड़ा पनिश कर सकता था। और गेम बहुत ज्यादा क्लोज आ गया, उसके पास टाइम मैनिपुलेशन है, मगर उसका वेस्ट हो गया। अब मैं एडवांटेज में हूँ क्योंकि मेरे पास शैडो फल भरी हुई है, और यूनलिन का फाइनल टैलेंट शायद से इस मंथ मेरा अनलॉक हो जाएगा, तो फिर तो मजा आ जाएगा यूनलिन से खेलने में। मगर मुझे ये नहीं पता अभी तक कि उसका रेंज अटैक वाला टैलेंट अच्छा है या फिर वो एक्स्ट्रा शैडो वाला अच्छा है, तुम मुझे बताओ, क्योंकि मैंने खेला ही नहीं है उस टैलेंट से कभी। और यूनलिन का विक्ट्री पोस्ट तो बहुत ही अच्छा है यार, काश मैं रैबिट होता। और चलो लेवल अप करने से एक चीज़ तो अच्छी हुई कि अब मैं एटलीस्ट फाइट बैक तो कर सकता हूँ मैक्स कैरेक्टर्स के सामने। और हमारा अगला अपोनेंट भी इतू ही है, और ये गेम मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि इस गेम में मेरा अपोनेंट मुझे कीप फाइटिंग कह रहा था, तो मुझे समझा नहीं कि वो क्यों कह रहा था, शायद मैंने ज़्यादा कैंसिल मार दिए, मगर कैंसिल मारने से कोई कीप फाइटिंग शायद नहीं बोलता है, क्या पता फिर, या फिर शैडो ज़्यादा मारी, वो तुम ही बताना, तुम जज करके बताना, अगर कुछ लगेगा इम्प्रूव करने का तो मैं इम्प्रूव करता हूँ फिर। बाकी अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कॉर्नर में ही रखूँ, बाहर आने ही ना दूँ, यहाँ पे इथीरियल हो जाए क्या? अरे नहीं यार, थोड़ी गलत टाइमिंग होगी, मतलब उसकी टाइमिंग बढ़िया थी, उसने बढ़िया किक मारी मुझे। अपोनेंट के पास टाइम मैनिपुलेशन भी है, डर लग रहा है यार, यहाँ पे अटैक पर अटैक लग रहा है। वैसे मैं जीत रहा हूँ, मगर इतू का कोई भरोसा नहीं यार, उसके पास एक तो टाइम मैनिपुलेशन भी है, ये तो जीत गया भाई, जीत गया। चलो अपर अटैक के साथ शुरुआत करते हैं, और ये लग गया। अब कोई यहाँ पे मुझे ये बताएगा कि उसकी मुझे किक क्यों नहीं लगी? नहीं लगी तो अच्छी बात है, मतलब कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मगर क्यों नहीं लगी? शायद मैंने थोड़ा सा डिले करके हैवी अटैक मारा, इस कारण नहीं लगी हो, या क्या पता, गया मैं, बच जाओ, थोड़ा सा टाइम दे दे। अरे भाई भाई भाई, बच गया, पर मैंने वहाँ पे शैडो मारी थी यार, पता नहीं क्यों जंप हो गया, मगर हम बच गए, वो अच्छी बात है। अब इसको कॉर्नर में धीरे धीरे धकेलते हैं, ये गया कॉर्नर में, अब मारेंगे स्पिनिंग अटैक, अब अपर, अरे नहीं यार, मुझे लगा था वो जंप करके किक मारेगा, मगर उसने नहीं मारी, चलो ठीक है कोई ना भाई, बच जाओ। अरे यार, हम तो हार रहे हैं, नहीं हम तो जीत रहे हैं भाई, जीत गए यार। और लाइक करो यार, लाइक तो करो, और तांजीरो लव नेजुको को भाई, बहुत बड़ा शाउट आउट।